भागवत जी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं, दो ऐसी विरुद्ध वस्तुएं एक साथ ना खाएं जिनका गुण और स्वभाव एक दूसरे के विपरीत है। अब आप कहेंगे हमें पता नहीं विरुद्ध वस्तुएं क्या हैं। मैं कुछ विरुद्ध वस्तुओं की सूची बता देता हूं। डिटेल सूची तो भागवत जी ने बताई है, 103 वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के एकदम खिलाफ है। जैसे सबसे पहली वस्तु उन्होंने बोली है प्याज और दूध, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। दूध और प्याज साथ में खाया तो बीसियों बीमारी आने ही वाली है। सबसे ज्यादा बीमारियां आएंगी त्वचा की, आपको सोराइसिस होगा, आपको एक्जिमा होगा, आपको खाज होगी, आपको खुजली होगी, अगर प्याज दूध साथ में खा रहे हैं तो कभी भी ना खाएं। इसी तरह से वो कहते हैं कि कटहल, जैकफ्रूट, दूध और जैकफ्रूट कभी ना खाएं, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन। और दूध और ऐसा कोई भी फल साथ में ना खाएं जो सिट्रिक एसिड प्रधान है। सिट्रिक एसिड आप समझते हैं, संतरा, मौसमी, नारंगी, अंगूर, खट्टी चीज। एक खट्टी चीज तो आपकी बनाई हुई है, एक खट्टी चीज भगवान की बनाई हुई, तो भगवान की बनाई हुई खट्टी चीज है, दूध के साथ जानी दुश्मन है। भागवत जी ने बहुत साल रिसर्च करके बताया एक ही खट्टा फल है जो दूध के साथ खाएं, वो है आंवला। आंवला, आंवला ही एक फल है, खट्टा है, सिट्रिक एसिड भरपूर मात्रा में है, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम उसमें भरपूर है। यही एक फल है जो दूध के साथ जरूर खाएं, बाकी कोई फल जिसमें खट्टापन है वो दूध के साथ ना खाएं। आम भी, आम अगर खट्टा है तो दूध के साथ ना खाएं, मीठा है तभी खाएं। मीठा आम, एकदम मीठा आम, पका हुआ आम, उसी को दूध के साथ खा सकते हैं। एक और उन्होंने गिना है, कभी भी शहद और घी एक साथ ना खाएं, दुनिया का सबसे खराब जहर है ये। इसी तरह से उड़द की दाल और दही गलती से भी साथ में ना खाएं। उड़द की दाल द्विदल में सबसे खतरनाक है, उड़द की दाल। उड़द की दाल के बारे में जितनी भी रिसर्चेस भारत में हुई हैं वो ये कहती हैं कि ये दालों की राजा है, इसलिए ये अकेला ही खाएं, इसके साथ दही नहीं खा सकते उड़द की दाल के साथ। तो वो कहते हैं उड़द की दाल भरपूर खाएं, मना नहीं है, लेकिन अकेली खाएं। और बाकी जो दालें हैं, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, लेकिन कोई मजबूरी में खाना है तो उपाय मैंने बताया था कि दही गर्म करके खाएं, माने दही में बघार लगा के खाएं ताकि तासीर गर्म हो जाए उसकी, या मट्ठा गर्म करके खाएं तासीर उसकी गर्म हो जाए। लेकिन मेरी आपको विनम्र विनती है, उड़द की दाल के साथ तो बिल्कुल ना दही खाएं ना मट्ठा खाएं, बघारा हुआ भी नहीं खाएं। भागवत जी कहते हैं कि चलेगा ही नहीं। मैंने एक दिन कहा कि चलो खा के देखते हैं, भागवत जी ने कहा ना खाएं, खा के देखें क्या होता है शरीर को। तो मैंने खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और उड़द की दाल खाने के बाद दही खाया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर 22 से 25% बढ़ा हुआ था। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि रोज रोज अगर मैं ये खाने लगूं उड़द की दाल और दही उड़द की दाल तो 100% 6-8 महीने में हार्ट अटैक आ ही जाएगा। इसका मतलब माताओं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, दही बड़ा कभी भी नहीं, क्योंकि दही बड़ा में उड़द की दाल का बड़ा अगर है तो दही बिल्कुल नहीं। अगर आपको दही बड़ा खाना ही है तो मूंग की दाल का, मूंग की दाल का बड़ा है, दही बघार कर या मट्ठा बघार कर आप ले सकते हैं, उड़द की दाल का बड़ा सीधे चटनी से खा सकते हैं, दही से नहीं। और अगर शादी ब्याह है आपके घर में तो मीनू बनाते समय ध्यान रखें कि मेहमानों को उड़द की दाल का बड़ा और दही ना परोसें, और अतिथि देवता है उसको जहर ना खिलाएं। तो ऐसी एक सूची है। तो भागवत जी कहते हैं दो विरोधी चीजें साथ में ना खाएं, और वो कहते हैं कि अगर आपने ये सूत्र धारण कर लिया तो जिंदगी भर आप निसंकोच बिना किसी रोग के जीवन बिता सकते।